आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो सड़कों पर घूमने के लिए ज़रूर गए होंगे, तो उस वक्त हर तरह के पक्के रोड पर सफ़ेद और पीली लाइन देखने को मिल जाता है। सभी रोड पर अलग अलग तरह की लाइन होती है, पर सफ़ेद और पीला रंग ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सड़कों पर ये सफ़ेद और पीली लाइन क्यों खींची होती है और इसका क्या मतलब होता है? आखिर ये दो कलर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ट्रैफिक के कुछ बेसिक रूल के बारे में ही पता है, जैसे कि रेड लाइट होने पर रुकना है और ग्रीन लाइट होने पर चलना है। इसी वजह से भारत में ज़्यादातर मौत एक्सीडेंट की वजह से होता है। हमारे लिए सड़कों पर खींची हुई सफ़ेद और पीली लाइन सिर्फ एक कलर ही होता है, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सड़कों पर खींची हुई लाइन का भी अपना अलग मतलब होता है, जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यह सवाल आता है कि आखिर सड़कों पर सफ़ेद और पीली लाइन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके पीछे की एक वजह यह है कि यह दोनों कलर आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, और यह दोनों कलर ऐसे हैं जिसको देखने पर आपकी आंखों के फोकस पर कोई भी असर नहीं होता है। वहीं दूसरे कलर जैसे हरा या लाल कलर का इस्तेमाल किया जाए तो यह कलर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से आपका संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से यह दोनों कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि सड़कों पर किस किस तरह के लाइन देखने को मिलता है। नंबर वन, टूटी हुई सफ़ेद लाइन। इस लाइन का मतलब होता है कि आप ओवरटेक के वक्त लेन बदल सकते हो, पर आपको पीछे से आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ेगा। टूटी लाइन में भी सड़कों के दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं, लेकिन आपके सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो तब ओवरटेक कर सकते हो। नंबर टू, लंबी सफ़ेद लाइन। जब भी आप बीच में लंबी सफ़ेद लाइन देखें तो समझ जाना कि आपको एक ही लाइन में चलना है, यानी कि एक ही सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियां आएंगी, पर आपको किसी भी लेन से बाहर नहीं निकलना है। सिंपल भाषा में बात करें तो आप ऐसी सड़कों पर ओवरटेक नहीं कर सकते हो। यह लंबी सॉलिड सफ़ेद लाइन डिवाइडर का काम करता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसी सॉलिड सफ़ेद लाइन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यह सफ़ेद लाइन पहाड़ी इलाके में बनी होती है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है या फिर ज़्यादा कोहरा रहता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से सामने से आ रही गाड़ी किसी को भी दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, और ऐसा ना हो इसी वजह से सड़कों के बीच में सॉलिड सफ़ेद लाइन खींची होती है, ताकि कोई भी ओवरटेक ना कर सके। नंबर थ्री, लंबी पीली लाइन। पीली लाइन का मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पीली लाइन क्रॉस नहीं करना है। हर राज्य में इस पीली लाइन का अलग अलग नियम है। नंबर फोर, टूटी पीली लाइन। इसका मतलब भी सफ़ेद टूटी लाइन की तरह ही होता है। जहां पर इस तरह की लाइन खींची होती है वहां पर आप ओवरटेक कर सकते हो, पर तभी जब सामने से या पीछे से कोई गाड़ी ना आ रहा हो। नंबर फाइव, डबल पीली लाइन। कभी कभी सड़कों के बीच में एक साथ दो दो लंबी पीली लाइन खींची होती है। इसका मतलब साफ है कि ओवरटेक करने की सख्त मना है और आपको एक ही लेन में चलना है। आप किसी भी सूरत में इस सड़क पर से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि यह रोड ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नंबर सिक्स, डबल सफ़ेद लाइन। कभी कभी इस तरह के सड़क के बीच में डबल सफ़ेद लाइन खींची होती है। इसका मतलब यह है कि आपके बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है और आप अपनी लेन को छोड़कर नहीं जा सकते हो, पर अगर आपको यू टर्न लेना है या फिर राइट में मुड़कर सड़क बदलनी है तो आप लाइन से बाहर निकल सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना,
और कमेंट करके बताना कि आपने किस किस तरह के लाइन को सड़कों पर देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।